वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं आजकल। ठीक है, हम यही देखेंगे आज की रीडिंग में कि आपके फ्रेंड्स आजकल आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं आप दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखे, बाकी का छोड़ दीजिए। ठीक है, और गाइज आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैंने अबाउट सेक्शन में अपना इंस्टा हैंडल लिंक कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और आप चाहें तो प्लीज़ मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी बहुत हेल्प होगी कि अगर आप मुझे सजेशन देते हैं कि मैं किस टॉपिक पर रीडिंग लेके आऊँ। बट प्लीज़ ऐसे सजेशन दीजिएगा जो सबके लाइक हो, सबको गाइडेंस मिल सके। ठीक है, ओके, एक कार्ड आ चुका है, देख लेते हैं आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं आजकल। आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे लाइट गई हुई है। ओके, देख लेते हैं आजकल क्या सोच रखते हैं आपके फ्रेंड्स आपको लेके। बॉटम ऑफ डेक आया है, सिक्स ऑफ वांड्स, ओके, चैरियट, अमेजिंग, दो किंग आए हैं, एक क्वीन आई है, सन, अमेजिंग। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे, थ्री ऑफ कप्स। तो गाइस मैं बता दूं, आजकल आपके फ्रेंड्स आपके बारे में यही सोच रखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक किंग या एक क्वीन की तरह हो गए हो। ठीक है, ना केवल आपकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग हुई है, बट आप वाकई ही अपने नेचर में भी बदलाव ला रहे हो। एक किंग या क्वीन की तरह अब आप अपनी सोच को बदल रहे हो, उस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, उस तरीके का अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ला रहे हो। साथ ही आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह हो गए हो। और साथ ही आप अब खुद के ऊपर ना ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आपको किस तरीके के डिसीज़न लेने चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से सामने वाले से अपनी बात मनवानी चाहिए, ये सब चीज़ें ना आप अपने अंदर बदल रहे हो, और ये चीज़ उनको दिख रही है, और इसलिए वो अपनी सोच में भी बदलाव ला रहे हैं। साथ ही उन्हें ऐसा लगता है ना कि अब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, अब आप शादी करने लायक हो। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि भाई अब आपकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि आप में मैच्योरिटी, इंडिपेंडेंसी सब कुछ आ गई है। ठीक है, अब आप में भी ऐसा हो सकता है, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत स्टेबल हो गए हो, बहुत बैलेंस्ड हो गए हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप का ऑफ़र आ रहा है या किसी को डेट कर रहे हो आप, तो वो ये भी सोचते हैं कि अब आपको उनके साथ घर बसा लेना चाहिए, उनके शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि आपको उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपका फाइनेंस काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हाँ आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, आपका फाइनेंस ग्रो कर रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपना घर वगैरह ले लिया हो, ऐसा हो सकता है, या व्हीकल अभी रिसेंट में खुद से ख़रीदा है, खुद के पैसों से ख़रीदा है। ठीक है, तो अब उन्हें लग रहा है कि हाँ अब आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने पार्टनर की जिम्मेदारी उठा सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अब उन्हें ये फील हो रहा है कि नहीं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, बहुत मैच्योर हो चुके हो,
ठीक है। तो अगर आप शादी कर भी लोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब टाइम आ गया है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो एक सन की तरह चमक रहा है, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो ये साल 2022 था ये आपके लिए बहुत कुछ लाया हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाया हो, रिलेशनशिप ऑफ़र आया हो आपके पास, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अब लगता है कि नहीं, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए और रिलेशनशिप वगैरह में अब आपको सोचना चाहिए। और अगर किसी का प्रपोज़ल आ भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। साथ ही अब आप एक ऐसे पर्सन हो गए हो हर सिचुएशन को पकड़ के नहीं बैठता, ठीक है। अब आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो जो हर सिचुएशन को पकड़ के नहीं बैठता और उससे आगे मूव ऑन करने की सोचता है। मे बी पहले ऐसा होता हो कि कुछ सिचुएशन ऐसी आई हो तो आप उसको ना बहुत सोच विचार करते थे, उसी में डूबे रहते थे। बट अब ऐसा लग रहा है ना उनको, उनकी सोच ये हो गई कि नहीं, अब आपको ना आगे बढ़ना आ गया है। अब आप एक जगह स्टक होके नहीं रहते हो, अब आप हर सिचुएशन में आगे बढ़ने का सोचते हो, एक सन की तरह चमकते हो, ठीक है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है ना, अब उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स की ना शादी होने वाली हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप रिच को लेकर प्रपोजल आया हो, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, बैकग्राउंड साउंड का मैं कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ उसको इग्नोर ही कीजिएगा, ठीक है। और मेरा गला भी आज थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए माफ़ी। कि आपके फ्रेंड्स आपको लेके यही सोच रहे हैं कि आपका ना सर दर्द हो जाता होगा, मतलब अब ना या तो आपका करियर में जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे जॉब में हो, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पास ना जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। आपको ये भी हैंडल करना है, वो भी हैंडल करना, ऐसा हो सकता है। या मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ना फैमिली और जॉब दोनों को संभालना होगा, दोनों को बैलेंस करके चलना। जो पढ़ रहा है ना उसको देख के आपके फ्रेंड्स सोचते हैं कि भाई इसके तो सर दर्द हो जाता होगा, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं इसके ऊपर। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ व्यूअर्स की ना मैरिज तय हो गई है, ठीक है, शादी होने वाली है, तो उनके फ्रेंड्स ना यही सोच रहे हैं अब तो इसका सर दर्द हो जाएगा भाई, इतनी जिम्मेदारियाँ होंगी इसके कंधों पर कि ये ना उन्हें ढोते ढोते थक जाएगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स लड़के या लड़की हैं उनकी शादी तय हो गई है, ठीक है, अब वो मैरिज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनके फ्रेंड्स ने यही सोच रहे हैं भाई अब तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतना इसके सर में दर्द होगा, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, जॉब वाले हैं या बिजनेस मैन या बिजनेस वूमेन हैं, ठीक है। तो वो आपके बारे में ना यही सोच रहे हैं कि भाई इनके ऊपर ना बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जैसे पार्टी करना, खुले दिल से जीना, मतलब बहुत इंजॉय करना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो बहुत पसंद है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना अब उनको ये लग रहा है कि भाई इसका आप हमारे साथ घूमना फिरना, पार्टी वार्टी करना, ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आप तो या तो आपकी मैरिज हो गई है या होने वाली है, जिसकी वजह से ना आपके फ्रेंड्स यही सोच रहे हैं, उनके आजकल यही विचार हैं आपको लेके कि भाई अब ये हमारे साथ वो पार्टी करना, वो इंजॉय करना, वो खुले दिल से लाइफ जीना, वो सब इसका बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ना जिम्मेदारियों का बोझा आने वाला है, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से हर सिचुएशन को हैंडल करोगे, घर भी देखना होगा, जॉब भी देखनी होगी, ठीक है। अब आप चाहे लड़के हो या लड़की हो मुझे नहीं पता, बट यही सोच रहे हैं आपके फ्रेंड्स आपको लेके। साथ ही बहुत एनर्जेटिक हो और उन्हें लगता है ना कि जो आपके अंदर का जो बच्चा था ना अब वो बड़ा हो गया है, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो अपने अंदर के ना बच्चे को कभी मरने नहीं देते थे, ठीक है। बहुत इन्जॉय करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ थी वो आप कभी करना नहीं भूलते थे, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं आज भी बैडमिंटन खेलती हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं मतलब छोटे से खेल रही हूँ तो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो वही है कि हम अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रख सकते हैं तो हमें रखना चाहिए। तो वही चीज़ है, आपके फ्रेंड्स ना यही सोच रहे हैं आपको लेके कि भाई इनका अब अंदर का ना बच्चा मर जाएगा, अब ये उस मेच्योरिटी में आ गए हैं, जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ, बस इन्हें अब वही निभानी है, करियर में, फाइनेंस में कैसे ग्रो करना है, करियर को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अब फैमिली की जिम्मेदारी आ रही है, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है भाई अब तो वो सेलिब्रेशन, वो पार्टी, वो सब बंद हो जाएगा,
क्योंकि अब आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठानी होंगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ ही उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ में जीत हासिल करता है, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो ना अपने फ्रेंड्स में ना छाया रहता है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन होंगे, बहुत ब्लेस्ड हो आप, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप फैमिली वाइज भी बहुत लकी रहे होंगे, और आपके जो फ्रेंड्स भी बने हैं ना वो भी बहुत इतने अच्छे होंगे ना, जो आपकी हर चीज़ में हेल्प करते होंगे। तो आप खुद को ना बहुत ब्लेस्ड फील करते होंगे कि मेरे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, गिने चुने हैं बट बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं कहूँ तो एक सोल फैमिली जैसे हैं, ठीक है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो अब यही सोच रहे हैं गाइस कि अब आप उनसे दूर हो जाओगे, या अब आप उस तरीके से नहीं रहोगे, बहुत मैच्योर हो जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, बहुत हर चीज़ को ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह संभालोगे, देखोगे फाइनेंस में कैसे ग्रो करना है, इन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे, ठीक है। यही मुझे दिख रहा है गाइस। आपके फ्रेंड्स ना आपको लेके बहुत खुश हैं कि अब आप एक ऐसे पड़ाव पे आ रहे हो जहाँ आपको मैच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करनी है, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि जो उनका फ्रेंड था ना या थी, अब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उन्हें ये भी लगता है कि आप जैसे पहले थे शायद अब आप चेंज हो जाएंगे, या धीरे धीरे आप चेंज हो रहे हो, ठीक है, उन्हें यही लगता है। आई होप गाइस रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, ठीक है। और आई एम सॉरी बैकग्राउंड साउंड के लिए वंस अगेन, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, और यहाँ पर लाइट भी जा रखी है तो इसलिए यहाँ लोग और ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, ठीक है। या गाइस आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।